सुबह के 8 बजने को है। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशिया हूं और अब देखिए इस वक्त की 50 बड़ी खबरें बिना ब्रेक के न्यूज 15। पाकिस्तान के एक और नए पाक चाल, बीती रात कश्मीर के बारामूला में सेना के 46 राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर आतंकी हमला, दो आतंकी ढेर, एक जवान शहीद। सेना के कैंप के अलावा आतंकियों ने बीएसएफ के पिकेट पर भी फेंका ग्रेनेड, कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका, सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकी हमले में बीएसएफ की 40वीं बटालियन का जवान शहीद, बीएसएफ का एक और, राष्ट्रीय राइफल्स के 3 जवान घायल। बीएसएफ के डीजी ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसएजी डोवाल को दी हमले की जानकारी, रक्षा मंत्री को भी हमले के बारे में बताया। बीएसएफ के डीआईजी और कमांडिंग ऑफिसर भी मौके पर पहुंचे, पीओके में भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ये पहला आतंकी हमला। आज लद्दाख दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री, 2 दिनों के दौरान अलग अलग संगठनों से जुड़े लोगों से करेंगे मुलाकात, पिछले 2 महीने के दौरान राजनाथ का 4था जम्मू कश्मीर दौरा। अगले गणतंत्र दिवस पर अबूधाबी के क्राउन प्रिंस होंगे मुख्य अतिथि, पाक को अलग थलग करने के लिए क्राउन प्रिंस बिन जायद अल नहयान का दौरा अहम। पंजाब में वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट के दौरान पाकिस्तान की ओर से पत्थरबाजी, बीएसएफ ने फ्लैग मीटिंग के दौरान विरोध दर्ज कराया। गुजरात में पोरबंदर में पकड़ी गई पाकिस्तान की संदिग्ध नाव, चालक दल के 9 लोगों को हिरासत में लिया गया। पाकिस्तान से तनाव के बीच पीएम मोदी का बयान, भारत ने अब तक नहीं किया किसी देश पर हमला, हम जमीन के भूखे नहीं हैं, कहा भारी कीमत चुकाने के बावजूद बलिदान के महत्व का एहसास नहीं करा सके। पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने की मांग वाली ऑनलाइन याचिका को जबरदस्त समर्थन, अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों ने किए दस्तखत, व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर अर्जी। गांधी जयंती पर भारत ने दी पेरिस समझौते को मंजूरी, 2030 तक तापमान 2 डिग्री तक घटाने की पेशकश का किया प्लान, यूएन महासचिव और अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने फैसले का स्वागत किया। दिल्ली में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में कटौती, सीएनजी 1.40 रुपए प्रति किलो और पीएनजी 1 रुपए सस्ती, दिल्ली में अब सीएनजी 35.45 रुपए प्रति किलो। ग्रेटर नोएडा, नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी के दामों में 1.60 रुपए की कमी, दाम घटने के बाद सीएनजी 40.60 रुपए प्रति किलो। कावेरी मुद्दे पर कर्नाटक में आज फिर होगा मंथन, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया, सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के बाद बने हालात पर कोई फैसला नहीं। बहुचर्चित नीतीश कटारा हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकता है सजा, विकास यादव, विशाल यादव और सुखदेव पहलवान हत्याकांड के दोषी। इशारों में नाना पाटेकर का सलमान खान पर हमला, कहा सेना के जवानों से बढ़कर कुछ भी नहीं, पाक कलाकारों के विरोध को बताया सही। करण जौहर सलमान खान के बाद ओम पुरी ने भी की पाक कलाकारों का समर्थन, कहा कलाकारों को बैन करने से नहीं सुधरेंगे हालात। बिहार में लागू हुआ शराबबंदी का नया कानून, हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देगी बिहार सरकार। दिल्ली मेट्रो में सफर करने वालों के लिए खुशखबरी, करीब हर 3 मिनट में मिलेगी मेट्रो, मेट्रो ने 916 नए कोच खरीदने का दिया प्रस्ताव। दिल्ली के द्वारका में दशहरे पर रावण के साथ पाकिस्तान का पुतला भी जलाया जाएगा, पाकिस्तान के पुतले पर लिखा आतंकवाद का जन्मदाता। त्योहारों के दिनों में दिल्ली में सुरक्षा कड़ी, पुलिस ने 24 मोटरसाइकिल्स के साथ बनाया बाइक स्क्वाड, बाजारों में बढ़ी पेट्रोलिंग। मुंबई की सुरक्षा में लगे करीब 5000 सीसीटीवी कैमरे, पूरे मुंबई में सीसीटीवी लगाने की योजना के आखिरी चरण की शुरुआत। आज यूपी के हापुड़ में खाट सभा करेंगे राहुल गांधी, कल मैनपुरी में खाट सभा के दौरान मुलायम सिंह पर बोला था हमला। यूपी के कानपुर में 4 अक्टूबर को मेट्रो रेल का शिलान्यास करेंगे सीएम अखिलेश, केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू भी रहेंगे मौजूद। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में कई इलाकों में बाढ़, लातूर, नांदेड, उस्मानाबाद, बीड जिले सबसे ज्यादा प्रभावित, एनडीआरएफ और वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स बचाव काम में जुटे। राजस्थान के ब्यावर में दर्दनाक हादसा, खेतों में काम करने वाली 5 महिलाओं पर गिरी बिजली, 1 की मौत, 4 महिला झुलसी। एमपी के मुरैना में निजी अस्पताल में 2 नवजात बच्चों की मौत, डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप, रिश्तेदारों का हंगामा। एमपी के सेंधवा में 171 फीट की चुनरी यात्रा निकाली गई, एकता संगठन ने निकाली 18 किलोमीटर की यात्रा।
भोपाल को कचरे से आजादी दिलाने के लिए एसएल ग्रुप की खास पहल, कचरे से बिजली बनाने के लिए नगर निगम और एसएल इंफ्रा के बीच समझौता, अगले साल तक बनेगा पावर प्लांट। आगरा में 11 साल के मासूम की अगवा कर हत्या, आरोपी पड़ोसी गिरफ्तार, पैसों के लालच में दिया वारदात को अंजाम। यूपी के अमेठी में नाबालिग के रेप के बाद हत्या, आरोपी युवक फरार, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के गोरखपुर में संपत्ति विवाद में दो सगे भाइयों ने भाई पर करवाया जानलेवा हमला, 10 लाख रुपए ने दी भाई की सुपारी, दोनों भाई और 4 सुपारी के लगे रखे। यूपी के शाजापुर में पुलिस के सामने चोरी के आरोपी की पिटाई, पुलिस वालों ने चोर पर किया हाथ साफ, आरोपी को पकड़ने के बजाय मार मार कर भगाए। राजस्थान के चुरू में मानसिक रूप से बीमार महिला के साथ गैंग रेप, पीड़ित को अगवा कर दो युवकों ने खेतों में किया गैंग। पिछली पारी में भुवनेश्वर कुमार ने लिए थे 5 विकेट, मोहम्मद शमी 3 टीवी बल्लेबाजों को आउट कर चुके। नवरात्र का तीसरा दिन आज मां चंद्रघंटा की पूजा में जुटे भक्त, मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़। भुवनेश्वर में एक युवक ने बनाया अनूठा रिकॉर्ड, अपने सिर और कोहनी से 108 नारियल तोड़े, उरी के शहीदों को श्रद्धांजलि। पीएफ के पैसे गिरवी रख खरीद सकेंगे कर्मचारी मकान, अगले साल से लागू होगी स्कीम, करीब 4 करोड़ लोगों को होगा फायदा। मैट्रिनो प्रोजेक्ट के लिए 800 करोड़ रुपए मंजूर, प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली और गुड़गांव के बीच 12 किलोमीटर रूट पर चलेगी पॉड टैक्सी। इथियोपिया की राजधानी के पास मची भगदड़ में 52 लोगों की मौत, पुलिस का दावा सरकार के खिलाफ नारेबाजी के वक्त आंसू गैस के गोले छोड़े जाने से मची भगदड़। कोलंबिया में जनमत संग्रह में फार्क विद्रोहियों के साथ सरकार का समझौता नामंजूर, 50.24% वोटों के साथ जनता ने खारिज किया रेफरेंडम। आईएसआईएस के कब्जे वाले लीबिया शहर सिरते में लीबियन आर्मी का हमला, सेना का दावा हमले में आईएसआईएस के 10 आतंकी ढेर, सेना के भी 10 जवान मारे। चीन के बीजिंग में बढ़ा वायु प्रदूषण, तीसरा सबसे खतरनाक येलो अलर्ट जारी, दूसरी छिमाही में प्रदूषण का पहला अलर्ट जारी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में पंपकिन फेस्टिवल, सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया, फेस्टिवल में 454 किलो तक का कद्दू भी। ऑस्ट्रेलिया के नेशनल पार्क में हुआ महिला और मगरमच्छ का सामना, महिला ने सैंडल निकालकर मगरमच्छ को डराया, मौके से भागा मगरमच्छ।